अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जियो टीवी के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट केस नंबर 9 के बारे में एक न्यू अपडेट देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल एवन उस्ताद पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल एवन उस्ताद को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आने वाले प्रोजेक्ट केस नंबर 9 के बारे में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको बता सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल एवन उस्ताद पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को ही सब्सक्राइब किया करें ताकि वीडियो से रिलेटेड तमाम न्यूज़ आपको हमेशा मिलती रहें। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप सबा कमर के फ़ैन्स हैं, फैसल कुरैशी के फ़ैन्स हैं, जुनेद खान के फ़ैन्स हैं, अमना शेख के फ़ैन्स हैं या फिर नवीन वकार के फ़ैन्स हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जियो टीवी के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट केस नंबर 9 की ऑफिशियल कास्ट के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस मिनी सीरीज़ को मेगा से मेगा बनाया जा रहा है। तो सोर्सेज के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जियो टीवी पर जो मेगा प्रोजेक्ट आने जा रहा है केस नंबर 9, ये एक मिनी सीरीज़ होगा और आने वाली इस मिनी सीरीज़ की जो कास्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा दमदार पावरफुल होने वाली है। तो आपने माजी में एक ड्रामा सीरियल देखा होगा मात, मात ड्रामा सीरियल में हमें आमना शेख और सबा फैसल देखने को मिली थी और मात ड्रामा सीरियल ही ये वो ड्रामा सीरियल था जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था और सबा कमर और आमना शेख हमें दो बहनों के तौर पर नज़र आई थी। तो आमना शेख और सबा कमर दोबारा पेयर अप होने लगी हैं केस नंबर 9 में। केस नंबर 9 की न्यू अपडेट के मुताबिक ड्रामा सीरियल के सेट को ज्वाइन किया है नवीन वकार ने। तो जी हाँ, नवीन वकार भी ड्रामा सीरियल की कास्ट का हिस्सा बन चुकी हैं सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनेद खान और आमना शेख के साथ। जो हमें एक और अदाकारा देखने को मिलेगी वो होंगी नवीन वकार। तो जी हाँ, नवीन वकार भी ड्रामा सीरियल की कास्ट का हिस्सा बनी। इस दफ़ा जियो टीवी वाले ऐसे ऐसे नामों को अपने ड्रामा सीरियल में कास्ट कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया होगा। तो ड्रामा सीरियल जो आने जा रहा है केस नंबर 9, इसके कास्ट में हमें सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनेद खान, आमना शेख और नवीन वकार देखने को मिलेंगे और ये बात कन्फर्म हो चुकी है, 100% कन्फर्म है कि नवीन वकार भी ड्रामा सीरियल की कास्ट में हमें देखने को मिलेगी। ड्रामा सीरियल बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि एक मिनी सीरीज़ है और इसकी जो शूटिंग है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और सैयद वजाहत हुसैन इस आने वाली मिनी सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं। सैयद वजाहत हुसैन ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की शूटिंग शुरू करवा चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास BTS भी सामने आई हैं जो कि हमने आपसे शेयर कर दिए हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आप आने वाले ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है और केस नंबर 9 के लिए आपकी क्या तवक्कोआत हैं कि ये कैसी सीरीज़ होगी, लव स्टोरी वाली होगी, क्राइम वाली होगी, थ्रिलर होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट उसमें थोड़ा बहुत हल्के फुल्के हमें लव रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं लेकिन ड्रामा सीरियल का जो मेन जेनियर होने वाला है, आने वाले ड्रामा सीरियल की जो स्टोरी होगी, आने वाले मेगा प्रोजेक्ट केस नंबर 9 की जो स्टोरी होगी वो एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर से भरपूर हो सकती है और आपको देखने को मिल सकती है। तो आने वाले इस प्रोजेक्ट जिसका टाइटल होने वाला है केस नंबर 9, बाद में चेंज भी हो जाएगा, आने वाला ये प्रोजेक्ट धूम मचा देगा, हर तरफ छा जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं आप आने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं हैं और ये प्रोजेक्ट आप किस लिए देखेंगे, कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताएं। सबा कमर के लिए, फैसल कुरैशी के लिए, जुनेद खान के लिए या फिर दोनों के पेयर अप होने की वजह से। अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल एवन उस्ताद को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।